अपने चारों ओर देखो तो पाओगे कि संसार में इंसान दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने में लगा है। इंसान की उन्नति और विकास के सामने जानवरों के विकास को देखा जाए तो उनकी विकास दर घटती नजर आ रही है। बढ़ती जनसंख्या, वातावरण और प्रदूषण की वजह से इनके रहने की जगह भी सिमटती जा रही है। इंसानों की वजह से केवल जंगल ही नहीं बल्कि समुद्र भी नहीं बच पाया है। आज के वक्त में इंसान अपने उपयोग के लिए ना जाने कितने प्रकार के मटेरियल यूज करता है। उसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लास्टिक है। प्लास्टिक ना तो सड़ती है और ना ही गलती है। ये बरसों तक जैसी होती है वैसी ही बनी रहती है। इसके बावजूद मनुष्य प्लास्टिक के कचरे को सही से ठिकाने भी नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी जानवरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। अब सोचने वाली बात ये है, क्या ये बेजुबान पशु ही अपनी जान देते रहेंगे? आज हम आपको समुद्र में रहने वाले एक कछुए की तस्वीर दिखाने वाले हैं, जिसमें मनुष्य के द्वारा की गई बेवकूफ़ी साफ साफ नजर आ रही है। मनुष्य की बेवकूफ़ी के कारण से इस कछुए को 19 वर्ष तक बहुत ही ज़्यादा दर्द सहना पड़ा। आखिर किस कसूर के लिए इस कछुए को 19 साल तक इतना दर्द सहना पड़ा? अभी जो तस्वीर आप देख रहे हो, इस तस्वीर में कछुए की बॉडी में प्लास्टिक की बोतल की रबर रिंग फंसी हुई है। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने इसे काटकर निकाल दिया है, किंतु जरा सोचिए, यदि हमारी उंगली में टाइट अंगूठी भी फंस जाए तो बर्दाश्त नहीं होता है, और इस कछुए ने तो 19 वर्ष तक ये दर्द सहा है। वैज्ञानिकों ने इसकी आयु 19 वर्ष बताई है और अंदाजा लगाते हुए बताया है कि जब ये छोटा होगा तो ये रिंग इसकी बॉडी में फंस गया और इस कछुए ने इस रिंग से निकलने की काफ़ी कोशिश की होगी, मगर ये रिंग इसकी बॉडी से नहीं निकल पाया होगा। समय के साथ साथ कछुआ बढ़ता गया और रिंग और भी ज़्यादा टाइट होता गया। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही एक लौती गलती नहीं है, ऐसी सैकड़ों गलतियां होती हैं जो इंसान करते हैं और खामियाजा बेचारे इन बेजुबान जानवरों को भुगतना पड़ता है। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि वास्तविक इंसान बनो और अपने आसपास पड़ोस में भी लोगों को जागरूक करो कि वह कचरे को इधर उधर ना फेंकें, डस्टबिन का ही यूज़ करें। और अब आपका काम है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका पता चल सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको एक लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल ज्ञान बॉक्स पे पहली बार आए हो, ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।